बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल ऑल फाइन एंड एंजॉइंग अ गुड हेल्थ। आई एम असद अली, लेक्चरर मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 7। द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात। और ये टॉपिक जो है वो सेम चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका टाइटल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और इस लेक्चर के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि जिसका मौजू जो है मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात, देखते हैं कि मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात, मुहर्रिकात जो है वो मुहर्रिक की जमा है, और मुहर्रिक से मुराद है तहरीक पैदा करने वाला अपने मकसद के हवाले से। तो इसलिए यानी कि हमने देखना है कि वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लामी ममलिकत का क़याम। मुसलमान ने बरसगीर चाहते थे कि बरसगीर में हिंदुओं से अलहदा एक इस्लामी ममलिकत कायम की जाए, जिसमें वो आज़ादी के साथ रह सकें और इस्लाम के दिए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर कर सकें, ताकि इस्लाम का बोलबाला हो। लेकिन मुतहदा हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहते हुए इस्लामी ममलिकत का क़याम मुमकिन न था, इसलिए बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा किया। सेकेंडली हम देखते हैं कि मुसलमानों ने बरसगीर की आज़ादी, मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात में से एक मुहर्रिक मुसलमानों ने बरसगीर की आज़ादी भी था। मुस्लिम रहनुमा चाहते थे कि बरसगीर के मुसलमानों को हिंदुओं की गुलामी से निजात मिल जाए और वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन हिंदुओं की अददी अक्सरियत की बिना पर मुतहदा हिंदुस्तान में मुसलमान कौम हिंदुओं के गलबे से आज़ाद नहीं हो सकती थी, इसलिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान का मुतालबा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ़िरका वाराना फसादात। बरसगीर में हिंदू मुस्लिम फ़िरका वाराना फसादात बहुत ज़्यादा होते थे। हर साल बेशुमार जाने इन फसादात की नज़र हो जाती थी। इसके अलावा हिंदुओं ने बेशुमार तासुब से भरपूर तहरीकें शुद्धि, सिंगटन, आर्या समाज, ब्रह्मो समाज और हिंदू महासभा जैसी तहरीकें जो हैं जो फ़िरका वाराना बुनियाद पर शुरू की गई, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से और हिंदुइज्म के प्रचार के हवाले से इन तहरीकों का आगाज़ किया गया। और इन तहरीकों का मेजर ऑब्जेक्ट जो था बरसगीर पाक व हिंद में, मेजर टारगेट जो था वो मुसलमान थे और रेस्ट ऑफ द नेशंस भी थी, और जिनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के तमाम बासियों को, तमाम इंडिविजुअल्स को हिंदुइज्म के दायरा कार में लाना है। और उसके लिए एक स्लोगन भी रेज किया गया कि अगर कोई यहाँ पर बरसगीर पाक व हिंद में रहना चाहता है तो इसे हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तहरीकें जो थी वो चलाई गई ताकि हिंदुइज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो इसलिए ये तहरीकें जो थीं वो शुरू हुई, जिनमें हिंदू मुसलमानों पर बेहद जुल्म करते और मुख्तलिफ बहानों से तंग करते थे। हिंदुओं को अक्सरियत हासिल थी, इसलिए इनको रोकने वाला कोई ना था। इन तंजीमों के इरादों से लगता था कि अंग्रेज़ों के बाद बरसगीर में राम राज कायम होगा, लिहाजा मुसलमानों ने राम राज और फ़िरका वाराना फसादात से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान का मुतालबा किया। मुस्लिम तशख़्स की हिफाजत। तशख़्स कहते हैं रिकग्निशन को, पहचान को, कि अगर मुसलमान जो हैं वो अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें एज ए कौम के हवाले से, एज ए नेशन के हवाले से उन्हें इस ट्रैक पर आना होगा कि वो बरसगीर पाक व हिंद में एक ज़मीन का एक अलहदा टुकड़ा जो है उसको हासिल करें। और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान के क़याम के हवाले से। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कौम के तशख़्स के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त, रस्म व रिवाज, रिवायात, तौर तरीक़े, इनको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए क्या हुआ कि हिंदू आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का मुस्लिम तशख़्स ख़त्म करने पर तुले हुए थे। कांग्रेसी लीडर मुसलमानों को अलहदा कौम मानने पर तैयार न थे, और ना ही हिंदू लीडर मुसलमानों की तहजीब व सकाफत को तहफ़ देने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम हिंदुइज़म में ज़म हो जाएं। इसका कई रहनुमाओं ने इकरार भी किया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है,
जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जितनी भी फ़िरका वराना फसादात के हवाले से इसको बूस्ट देने के हवाले से बरसग़ीर पाक व हिंद में जितनी भी ये सोसाइटीज़ फर्म हुई जिनमें मैंने शुदी का जिक्र किया, सिंगडन का जिक्र किया, आर्य समाज का, ब्रह्मो समाज का और हिंदू महासभा का, तो ये तमाम की तमाम जितनी भी तंजीमें थी इनका मेजर ऑब्जेक्ट जो था वो ये था कि बरसग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले जितने भी अफराद हैं उनको हिंदुज़म के दायरा कार में लेकर आना। तो इसलिए यानी कि वो इस बेस पर तमाम लोगों को हिंदुज़म के दायरा कार में लाने के हवाले से सरगर्म थे। तो इसलिए इसका इकरार जो है वो हिंदू रहनुमाओं ने भी किया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी कौमों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, लिहाजा मुस्लिम तशख्स को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमानों को अलग रियासत की ज़रूरत पेश आई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुसलमाना ने बरसग़ीर की मुआशी तरक्की, हिंदुओं ने मुसलमानों को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया था, इनकी कीमती अमलाक और जायदादें लूट ली गई थी, नौकरियों से फारिग कर दिया गया और इन पर मज़ीद मुलाजमतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए। सिर्फ निचले तबके की मुलाजमतें मुसलमानों को दी जाती थी, कारोबार वगैरह पर पहले ही हिंदुओं की इजारादारी थी जो अपने मुकाबले में मुसलमानों को वैसे पसंद नहीं करते थे। मुसलमान हिंदुओं की गुलामी से निजात हासिल करके ही माशी तरक्की हासिल कर सकते थे। तो इसलिए इस बेस पर अलहदा ममलिकत के क्याम का मुतालबा जो था वो किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं माशरती हालात, हिंदुओं में ज़ात पात के निज़ाम और रंग नस्ल की तफरीक ने मुसलमानों को नहायत खौफजदा कर दिया था, क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदुज़म में जो कास्ट सिस्टम है ठीक है वो चार कैटेगरीज़ का है और उन चार कैटेगरीज़ के हवाले से हिंदू जो हैं वो अपने आप को प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो इसलिए अगर उसका कंपैरिजन जो है वो इस्लाम से किया जाए तो इस्लाम जो है वो अदलो इंसाफ, मसावात और बराबरी का दर्ज देता है। क्यों? कि इस्लाम की जो सोशल नॉर्म्स हैं या इस्लामिक नॉर्म्स हैं ठीक है वो टोटली डिफरेंट हैं किससे, हिंदुइज्म से। तो इसलिए माशरती हालात के हवाले से यानी कि जो वहाँ पर नस्लो रंग की तफरीक थी या ज़ात पात के निज़ाम के हवाले से तफरीक थी ठीक है उसको इस चीज़ ने मुसलमानों को क्या किया कि बहुत ज़्यादा खौफजदा किया। हिंदू आज़ादी के बाद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे, ये उनके अंदर खौफ था मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के अंदर, और उन्हें कोई मुआशरती मकाम हासिल ना होगा, इनसे सिर्फ अछूतों वाला सलूक किया जाएगा। क्यों? अछूत जो है दैट इज़ अ लास्ट कैटेगरी ठीक है इंडियन कास्ट सिस्टम में, इंडियन कास्ट सिस्टम में जिनमें ब्राह्मण हैं, शूदर जो हैं वो लास्ट कैटेगरी में आते हैं, और शूदर यानी कि जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको वो अपने शहरों में गाँव में नहीं रहने देते, बल्कि जो सरहदें हैं यानी कि जो पाकिस्तान, चाइना या अदर कंट्रीज़ के साथ उनकी मिलती हैं वहाँ पर यानी कि इनको दूर निकाला होता है, और उनसे ये लोग जो हैं वो मिलना पसंद भी नहीं करते, उन्हें उनके साथ खाना पसंद नहीं करते, और इवन के उनका साया जो है ठीक है वो भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते, हालांकि वो भी हिंदू ही हैं। तो इसलिए यानी कि ये मुसलमानों को खौफ था कि यानी कि वो सेकंड दर्जे का शहरी करार दिलवाकर अगर यानी कि हिंदुओं की गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हो जाती है और ब्रिटिशर्स जो हैं उस बरसग़ीर पाक व हिंद का तमाम कंट्रोल जो है वो हिंदुओं को दे जाते हैं ठीक है, तो इस तरह फिर ये होगा कि यानी कि मुसलमान जो हैं वो सेकंड जो दर्जा है शहरी का उसमें डिक्लेयर होंगे और उनसे यानी कि अछूतों जैसा सलूक किया जाएगा। तो इसलिए लिहाजा मुसलमान जो थे इस तरह के माशरती हालात से अपने आप को महफूज नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अलहदा ममलिकत के क्याम का मुतालबा किया। नंबर नेक्स्ट, इस्लामी इकदार की हिफाजत। इस्लाम एक आलमगीर दीन है जो कि मिसाली मुआशरे के क्याम के लिए कई कदरें रखता है जिसमें मुआशरती इंसाफ, भाईचारा, अखुवत, मसावात, रवादारी वगैरह शामिल है। मुसलमानों ने इन कदरों की हमेशा पासदारी करते रहे और मुआशरे में इनको लागू करना चाहते हैं, जबकि हिंदू मुआशरे में किसी भी इकदार का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल अपनाया जाता था। इसलिए इस्लामी इकदार को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमानों ने पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, उर्दू ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़। तो बरसग़ीर के मुसलमान उर्दू ज़ुबान पर बड़ा फ़ख्र करते थे, क्योंकि उर्दू जो है बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद के साथ आई और मुसलमानों ने 750 साल
हुकमरानी की। उन्होंने उर्दू को सरकारी ज़ुबान के तौर पर अपनाए रखा, जबकि हिंदुओं की शदीद ख्वाहिश थी कि उर्दू की जगह हिंदी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई तहरीकें भी चलाईं। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा भी खड़ा किया, जबकि मुसलमान हिंदुओं की ख्वाहिशात के बरक्स उर्दू का तहफ़ और फ़रोग चाहते थे, जो कि अलहदा ममलिकत के क़याम से मुमकिन था। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखना होगा कि वो ज़ुबान का तहफ़ क्यों चाहते थे। वट इज़ लैंग्वेज? ज़ुबान को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ज़ुबान से क्या मुराद होता है कि ज़ुबान जो है वो ख़्यालात, एहसासात और महसूसात के इजहार का ज़रिए होती है, ठीक है। और ज़ुबान जो है वो किसी भी कौम की शनाख्त का ज़रिए होती है, और अगर किसी भी कौम की ज़ुबान को ख़त्म कर दिया जाए तो इट मीन्स डैट उस कौम की शनाख्त जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए 1834 में जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पर्शियन जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी बरसगीर पाक व हिंद की, तो उन्होंने फारसी को एक साइड पर रखते हुए इंग्लिश को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया, और सेकेंडली यानी कि जो दूसरे दर्जे की ज़ुबान थी वो उर्दू को डिक्लेयर किया। उर्दू को डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस पर सर्वे किया कि उर्दू जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, और इसको यानी कि यहाँ पर रहने वाले तमाम बाशिंदे जो हैं वो आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके लिए यानी कि ख़ुद भी यानी कि वो उर्दू किसी हद तक सीखते थे, इसलिए यानी कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दूसरे दर्जे की सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो खाइफ थे, तो 1867 में इसलिए यानी कि तनाज़ा क्रिएट किया गया, और इसी तनाज़े की बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनके व्यूज़ चेंज हुए, क्योंकि उससे पहले यानी कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक ही कौम से तशबीह देते थे, और इस तरह तक यानी कि उनकी स्टेटमेंट थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक ही तस्बीह के दाने हैं। लेकिन 1867 में जब उन्होंने ये बावर किया, उन्हें जब ये मालूम हुआ कि उर्दू हिंदी तनाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि ताकि यानी कि उर्दू ज़ुबान जो है उसको ख़त्म किया जाए, जब उर्दू ज़ुबान को ख़त्म किया जाना था तो इसका मतलब ये था कि ये डायरेक्ट एक अटैक था मुस्लिम कम्यूनिटी पर, मुस्लिम कम्यूनिटी के तशफ़ के हवाले से, मुस्लिम कौम की शनाख्त के हवाले से। अगर उर्दू का वजूद ख़तरे में पड़ जाता तो मुसलमानों का वजूद भी ऑटोमेटिकली एज ए नेशन के हवाले से ख़तरे में पड़ जाता। तो इसलिए उर्दू ज़ुबान के तहफ़ के हवाले से और इसी बेस पर मुसलमानों ने अलहदा ममलिकत के क़याम का मुतालबा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं दो कौमी नज़रिया। तो दो कौमी नज़रिया समझने से पहले सबसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि नज़रिया क्या है। तो नज़रिया जो है वो आम तौर पर किसी सियासी, तहजीबी या माशरती तहरीक के ऐसे लायामल को कहते हैं जो वाकयात और हकाइक की रोशनी में कौमों का मुश्तरका नस्बुलैन बन जाए, राइट। और इसके बाद अगर हम देखें तो दो कौमी नज़रिया मीन्स डेट यानी कि दो कौमों का नज़रिया। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान और हिंदू, दीज आर द टू मेजर नेशंस इन द सब कॉन्टीनेंट। सब कॉन्टीनेंट में यानी कि ये दो बड़ी कौमें थी, तो इसलिए यानी कि ये दो कौमों का नज़रिया कहलाया। मुसलमानों का दावा था कि वो हिंदुओं से अलग कौम है, वो अलहदा सकाफत, रस्म व रिवाज, ज़ुबान व अदब, तारीखी रिवायात, अंदाज़ ज़िंदगी और अलहदा मज़हब के हामिल हैं, इसलिए वो मुकम्मल कौम है, जबकि हिंदू रहनुमा मुसलमानों को अलहदा कौम मानने के लिए तैयार न थे और चाहते थे कि तमाम मुसलमान राम के पुजारी हो जाएँ, लेकिन मुसलमान दो कौमी नज़रिए का तहफ़ चाहते थे और उन्होंने अपने अलहदा कौमी तशख़्स के लिए पाकिस्तान का मुतालबा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगयार की गुलामी से निजात। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान चाहते थे कि बरसगीर को गैरों के कब्ज़े से आज़ाद कराया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ बरसगीर के लिए गैर थे जिन्होंने तिजारत के बहाने आकर बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया, लिहाजा इनसे निजात हासिल करने के लिए अलहदा ममलिकत के क़याम का तसव्वुर पेश किया गया। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं कांग्रेसी वजारतों का तशद्दुद। कांग्रेसी वजारतें क्या थी? क्योंकि 1936-37 के यानी कि जो इंतखाबात करवाए गए उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मंशूर पेश करते हुए इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, और जिसमें यानी कि मुसलमानों को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और ये इलेक्शंस जो थे वो भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस ने विन किए, ठीक है। और उसी बेस पर अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कांग्रेस ने हिंदुस्तान के 11 सूबों में से 8 सूबों में अपनी वजारतें जो थीं वो कायम की, ठीक है। और वजारतें कायम करते हुए उन्होंने
अपने आप को मोस्ट पावरफुल डिक्लेयर किया और जितना उनसे हो सका उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और जबर के अंबार जो थे वो लगा दिए। और उस हवाले से अगर हम देखें तो इन कांग्रेस की वजारतों में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म जो थे वो ढाए गए, और उनमें अगर देखें तो वो गाय के ज़िबह करने का प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर हम देखें तो गाय जो है वो एक सेक्रेट एलिमेंट है इन द रिलीजन ऑफ द हिंदुज़म, और जबकि गाय जो है वो मुसलमान जो है उसका गोश्त खाना पसंद करते हैं और हलाल है उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए स्लॉटरिंग ऑफ काओ उस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि यानी कि वो गाय को गाओ माता कहते थे, बेसिकली हिंदूज दे आर द वेजिटेरियंस, वो वेजिटेरियंस। और जब भी अजान पे बैन लगा दिया गया, ठीक है, पेग्स जो थे वो जब मुसलमान जो थे इबादत में मसरूफ होते थे उनको मस्जिद में छोड़ दिया जाता था, जब मुसलमान जो थे वो अपनी इबादत में मसरूफ होते थे तो नॉइजी प्रोसेशंस यानी कि ढोल पीट कर बहुत बड़े जुलूस की सूरत में इबादत मुसलमानों की जो इबादत गाहें थी मसाजिद थी उनके आगे से गुजारा जाता था ताकि मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए। बंदे मातरम यानी कि जो इनका नेशनल सॉन्ग था वो कंपलसरी कर दिया गया तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और ऑफिस में कि उसको अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो पढ़ा जाए, जिसमें यानी कि मुसलमानों को लुटेरा जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह की यानी कि कांग्रेसी वजारतों में मुसलमानों पर मजालिम जो थे वो ढाए गए, और हुकूमती ताकत जो थी वो कांग्रेस के पास थी, जिसकी बेस पर उन्होंने मुसलमानों को दबाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इकदाम किए और उनको उनके हकूक से महरूम किया गया, और इन पर झूठे मुकदमात जो थे वो कायम किए गए। और इस हवाले से अगर हम देखें तो इन्हीं कांग्रेसी वजारतों के हवाले से, क्योंकि दो साल के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के इख्तियारात में बहुत ज़्यादा कमी कर दी तो कांग्रेस ने इन वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देने के बाद 22 दिसंबर ऑन द कॉल ऑफ द कायदे आज़म 1939 योम निजात के तौर पर एक दिन मनाया गया जिसे योम निजात का नाम दिया गया। तो इसी बेस पर हिंदुओं का यानी कि जो मकरूह चेहरा था वो मज़ीद खुलकर सामने आ गया, ठीक है, और इन्हीं रवैयों की वजह से मुसलमानों को अपनी प्रोटेक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी, ताकि यानी कि वो इन्हीं ग्राउंड्स को पे अपने अलहदा एक मुल्क का मुतालबा जो है वो कर सकें। नेक्स्ट, आलम इस्लाम का इत्तेहाद। बरसगीर के मुसलमान चाहते थे कि दुनिया के तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो और वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं और दुनिया में मुसलमानों को दरपेश मसाइल का हल तलाश करें। इसके लिए ज़रूरी था कि वो पहले ख़ुद आज़ाद हों ताकि दूसरी अकवाम से इत्तेहाद की बात की जाए। इसलिए इत्तेहाद आलम इस्लाम को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की तख्लीक अमल में लाई गई। लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, मिल्लत का रोशन मुस्तकबिल। बरसगीर के मुस्लिम रहनुमा चाहते थे कि मुसलमान कौम का मुस्तकबिल रोशन हो और ये मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की करें, लेकिन हिंदुओं के साथ रहते हुए इनके शानदार मुस्तकबिल के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को हर हालत में पसमानदा रखना चाहते थे ताकि वो इनके महकूम बनकर ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। लिहाजा बेहतर मुस्तकबिल की सोच ने मुसलमानों ने बरसगीर को अब इस बात पर मजबूर किया कि हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद एक अलहदा ममलिकत कायम की जाए जहाँ पर वो इस्लामिक सोसाइटी जो है वो फर्म करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें, जिसे यानी कि दो कौमी नज़रिए को तहफ़ हो। और इसी हवाले से अगर हम देखें तो नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया जो है उसके अगर मीनिंग्स में देखें तो उनको हम मानी करार दिया जाता है, यानी कि नज़रिया इस्लाम, ठीक है जी। तो इस हवाले से अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का बरसगीर पाक व हिंद के तारीखी तनाजुर में मुसलमानों का ये शऊर था कि वो अपने अलग नज़रिया हयात की बुनियाद पर हिंदुओं से अलग कौम है। तो ये वो नज़रिया हयात यानी कि जो इस्लाम पर बेस करता था, उसी बेस के हवाले से मुसलमानों ने ये चाहा कि उनका भी यानी कि एक अलहदा ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए जहाँ पर रहकर यानी कि वो अपनी इस्लामिक सोसाइटी जो है वो फर्म करें और उसमें बनाए हुए असूल व ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड डियर स्टूडेंट्स।